सॉल्ट डाल के स्टार फिश रखनी है। दो दिन इसके अंदर सॉल्ट लगा रहा है और ये धूप के अंदर रखी रही है। इसके ऊपर हम अब पानी डालेंगे और उसको वॉश करेंगे। अब इसको हम बॉटल में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने इसको एक टब के अंदर सॉल्ट डाल के स्टार फिश रख दी है और उसके ऊपर भी नमक डाल दिया। अब आप इसको 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक छोड़ देंगे और धूप लगाने के लिए भी रख देंगे। जब इसका अंदर का इंटरनल सेल्स इसके बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो फिर ये आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये है वो स्टार फिश जो कि मैंने प्रिजर्व करने के लिए वहाँ से सी साइड से जो मुझे स्टार फिश मिली थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको घर में प्रिजर्व कर लूँ, क्योंकि हमने अपनी इंटायर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये देखी थी स्टार फिश, तो हमने सोचा कि हम इसको घर में प्रिजर्व कर लेते हैं और ताकि सालों तक हमारे पास ये रहे। तो मैंने यूट्यूब पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा था कि इसको किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, तो पता चला कि अल्कोहल या स्प्रिट वगैरह के अंदर इसको हम रखें तो ये प्रिजर्व हो सकती है। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्ट लगा के रखा था, तो दो दिन इसके अंदर सॉल्ट लगा रहा है और ये धूप के अंदर रखी रही है। और उसके बाद जब ये ड्राई हो गई है तो अब हम इसको एक दूसरे खाली उसको साफ़ करके उस खाली कंटेनर के अंदर रखेंगे, निकाल लेंगे इनको। इसको खाली कंटेनर के अंदर अब ये थोड़ी सी इसके ऊपर सॉल्ट जो है वो चिपक गया, लेकिन खैर हम इसको उसके अंदर कंटेनर में निकाल लेंगे। अब ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब इसको हम वॉश कर लेंगे जाके, ताकि इसके ऊपर से जो सॉल्ट है वो हट जाए। चलें इसको वॉश करते हैं। तो ये हमने स्टार फिश ले ली है और इसके ऊपर हम अब पानी डालेंगे और उसको वॉश करेंगे। इसको वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर से सॉल्ट निकल जाए। आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर को ले सकते हैं वॉश करने के लिए। उसका पानी आप ड्रेन कर दें। तो ये स्टार फिश जो है वो वॉश हो गई है। अब इसको हम डालेंगे बॉटल के अंदर और उसके अंदर फिर डाल देंगे स्प्रिट। सही है, हमने वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद अब इसको हम बॉटल में डालेंगे, जो हमारे पास एक कंटेनर ये बॉटल है, शीशे की बॉटल है। शीशे की ही लेनी है, प्लास्टिक की नहीं लेनी, क्योंकि स्प्रिट होता है वो केमिकल होता है। मगर आप प्लास्टिक की लेंगे तो वो प्लग जो प्लास्टिक की अगर आप बॉटल लेंगे तो स्प्रिट उसमें डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ये वन बाय वन आप इसमें डाल दें। ओ ये बड़ी है, ये अंदर नहीं जाना चाह रही।
ये थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि डिस्कार्ड कर देता हूँ। अजान हो रही है, अजान के बाद हम इसको मज़ीद प्रोसेस करते हैं। चाहिए हमने स्टारफिश बॉटल के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर स्प्रिट डालेंगे, ये जो स्प्रिट है, ठीक है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है तो उसको बहुत एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाह, और ये है अल्कोहल, हम इसमें अल्कोहल भी मिक्स कर देते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये हमने स्टारफिश को अल्कोहल और स्प्रिट के मिक्सचर के अंदर प्रिजर्व करने के लिए रख दिया है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सालों साल तक ऐसे ही रहेगी, तो एक हमारे पास यादगार के तौर पे, कभी हमें देखना होगा तो हम इसको इसमें से निकाल के देख लेंगे इंशाल्लाह। इसको आप अच्छी तरह से एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं।